मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ये भी हो जाता है कई बार कि आप क्या कर रहे हो पास्ट में, जैसे अब मैं कर रहा हूँ रेगुलर अपना काम, तो मैं कुछ एकदम कुछ डिफरेंट चीज़ करूँ बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि वो बोल्ड हो, कई बार कोई डिफरेंट जॉनर ही अटेम्प्ट कर दो। आपने की है? हाँ, वार्निंग हमने की है, उसका पोस्टर, उसको लेके पुलिस में शिकायत हुई। बिल्कुल, एक वेब सीरीज वार्निंग गिप्पी के बैनर हम्बल मोशन पिक्चर्स के तहत बनी, जिसमें पोस्टर आया जिसमें एक आदमी बैठा है जिसके पास गन रखी है, शराब में वो टोस्ट डुबो रहा है और पोस्टर पे लिखा है वेले आ बंदा बुंदा ही मरवा लो, और इस पे मोहाली में एक शिकायत होती है थाने में। टेल अस अबाउट इट, टेल टेल जरीन अबाउट इट। देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये वार्निंग है वो मैंने हम्बल मोशन पिक्चर्स में बनाई है, जिसका ट्रेलर ढाका के बाद इमीडिएट आएगा। अच्छा, मतलब ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि मैं चीज़ अनाउंस करूं और मेरी चीज़ ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या बना रहा हूं। अगर मैं अरदास करा बना सकता हूं, मैं पोस्ट ही बना सकता हूं, मैं वार्निंग क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल, किसी को। और दूसरा, मुझे एक बात अभी तक ये समझ नहीं आती, सीरियसली मुझे समझ नहीं आती, मैंने एक पोस्टर लिख दिया, पोस्टर डाला, उस पर लिखा है वार्निंग, बंदा बैठा है शराब में, पार्ले जी का बिस्कुट डुबो रहा है, खा रहा है, और उसके ऊपर लिखा है वेले हैं बंदा बंदा मरवा लो। आप क्या, आप आइडिया लगा सकते हो? आप मुझे कैसे बता सकते हो कि मेरी वार्निंग में क्या है? मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई हो सकता है ये गैंग वॉर पे हो सकता है, ये ड्रग पे हो, जो लोग गैंगस्टर पे हो, सुपारी किलर हो, ये तो मैं जानता हूँ ना क्या है। आप जब आएगी वो रिलीज होगी तो आपको बुरी लगे तब कोई चीज़ को फाइल अप कीजिए। और दूसरी बात यह है, जैसे इन्होंने बात की है कि आप बाकी के जो पोर्टल्स हैं, मतलब मेरी ये वार्निंग, मैं जितने बड़े वो हैं अपने ये ऐप्स चल रहे हैं जिनके ऊपर कंटेंट आजकल अवेलेबल है, सब बाय करने के लिए फिर रहे हैं मेरे पास आके कि हमें दे दीजिए वार्निंग। हाँ, वार्निंग। और मैंने अच्छा शूट किया है, मैंने अपनी फिल्म के लेवल का वो शूट किया है, बट मैंने किसी को नहीं दिया। अगर मैं उसको आज बेचता हूँ तो मैंने अगर 10 रुपये खर्चे तो मुझे 100 मिल रहे हैं, मैं नहीं बेच रहा, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट के लिए बनाया, मैं सिर्फ हम्बल के ही चैनल्स पे यूट्यूब पे उसको डालना चाहता हूँ, और मेरे आर्टिस्ट हैं उसमें, जो मैंने पोस्ती में लड़का लीड लिया है वही वार्निंग में लीड प्ले कर रहा है। सो ये नए आर्टिस्ट हैं पंजाब के थिएटर में जो आ रहे हैं। सो एक किसी बंदे ने बोला कि ये टैगलाइन नहीं ठीक है जी, वेले हैं बंदा बंदा मरा लो, ये है जी वो है जी, तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट जाके कंप्लेंट फाइल की और हमारी बात हुई, तो जो पुलिस स्टेशन वाले, तो हमने बोला कि भाई पहली बात तो ये है कि अगर हम उसको टीवी पे डालेंगे या कहीं पे डालेंगे तो हम सेंसर करवा के डालेंगे, अगर हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं आप साइबर में या कहीं पे भी आप उसको चेक करा लो, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगेगी तो यू टेक अगेंस्ट एक्शन अस, तो हम उसके लिए जवाबदेह होंगे ना, हम प्रॉपरली करेंगे। कोई मैं ऐसा तो बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ करके भाग जाऊँगा कहीं, मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं चीज़ें प्रमोट करनी है, यही चीज़ें, बट आने तो दो ना चीज़, ऐसे कैसे कि मैं आपके कहने पे वो लाइन उड़ा दूँ, मुझे ऑब्जेक्शन बताओ ना। हज़ारों लोगों के ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में आ रही हैं, सब प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं, पंजाब में भी तो सुपरहिट हो रही हैं, तो उनको तो आप हटवा नहीं रहे हो। और वो तो एक कोई पर्टिकुलर, मुझे पता चला अभी मैंने पूछा उनसे कि कोई एक आदमी है जो जिसने सबके ऊपर ही किया, हाँ मशहूर होने के लिए, वो वही फॉर्मेट, तो उन्होंने बोला कि उसने कम से कम 50 के आसपास कलाकार हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें की हैं।